नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा प्लस पे। मैं हूं आलोक शुक्ला और आज जैसा कि मैं आपको बोला था कि 21 दिन के लॉकडाउन क्लास में मैं आपको सारे एग्जाम, सारे विभाग, जितने भी आयोग हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। एग्जाम में जॉब प्रोफाइल, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, कैसे एग्जाम होता है, कितने लेवल के एग्जाम होते हैं, सब कुछ के बारे में इस 21 दिनों में मैं जानकारी लेके आपके सामने आया हूं। तो सबसे पहले जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है UP SSSC आयोग के बारे में जानने के लिए। ये आयोग क्या है, ये कौन सी परीक्षाएं कराता है, कौन सी परीक्षाओं में क्या पूछता है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो क्या आपको काम करना पड़ेगा, सब कुछ एक एक डिटेल आपके सामने लेके आया हूं। 21 दिन का लॉकडाउन हुआ है, आज दूसरा दिन है, सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए और बहुत सारे बच्चे कह भी रहे हैं कि नहीं सर, मन नहीं लग रहा है, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बात तो सही बात यह है कि मन आपका भी नहीं लग रहा है, मन हम लोग का भी नहीं लग रहा है, पूरी टीम केवल न्यूज चैनल खोले देखती रहती है कि क्या हो रहा है, कितने केसेस आ रहे हैं, कहां से केसेस आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इन सब चीजों से हमें थोड़ा मैच्योरिटी दिखाना है, अपना दिमाग हटा के सही चीजों पे लगाना है, कुछ ज्ञान पटोरना है, कुछ चीजें हमें पढ़ते रहना है, अपनी रिदम नहीं हटाना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले UP SSSC में। UP SSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है ना, ये कितने एग्जाम कराता है, देखिए आपके सामने मैं पूरा लिख के रखा हूं। लगभग 21 एग्जाम है इस आयोग में और 21 एग्जाम बहुत ज्यादा एग्जाम होते हैं। अगर आयोग ये सारे एग्जाम अगर एक साल में करा ले या एक साल दो साल में करा ले तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में कोई भी युवक बेरोजगार नहीं बचेगा। इतनी परीक्षाएं हैं, इतनी पोस्टें होती हैं, ये तो केवल UP SSSC है, इसके अलग UPP का है, UPPRPB जो बोर्ड है आपका, UPSI कराता है, UPP कराता है, कांस्टेबल में बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें कई सारे सीन होते हैं। उसके बाद आपका UPPCS, UPPSC जो है वो आयोग है, उसमें भी 4-5 परीक्षाएं होती हैं। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हैं, लेकिन बस ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सरकार का थोड़ा तो रवैया ढीला होता है, जिसका भुगतना हमें पड़ता है। खैर, बात हम अगर UP SSSC की करें तो UP SSSC कब गठित हुआ था सभी लोग जान लो, इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम उस परीक्षा के बारे में बात करेंगे जो आपका अपकमिंग यानी कि 2020 में नोटिफिकेशन आने वाला है। खबरें आ रही हैं या याचिका जा चुके हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो आपका लेखपाल है। लेखपाल की ऐसे तो बोलो कि बहुत शोर शराबा है मार्केट में, बहुत ही ज्यादा है ना, हर दूसरे दिन कोई ना कोई यूट्यूबर आ जाता है लेके कि अरे ये परीक्षा है, लेखपाल आया, लेखपाल के बारे में ये जानकारी, 5200 वैकेंसी, इतना वैकेंसी, इतना वैकेंसी, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, केवल बस अखबारों में चलता रहता है। सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है, हकीकत तो यही है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो रिसोर्सेस पता होते हैं, जो सोर्सेस होते हैं इंटरनल, थोड़ा बहुत आइडिया जो लगता है या अपने विवेक से अगर जो लोग सोचते हैं या हम लोग सोचते हैं, वो सारी जानकारी को आपके सामने मैं लेकर आया हूं। देखिए, लेखपाल की परीक्षा यथासंभव तो होनी ही थी, लेकिन अभी COVID-19 से लेखपाल भी नहीं, सारी की सारी परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। तो 1-2 महीने के लिए तो एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ होने वाला है। इस समय में केवल आप क्या कर सकते हो, तो केवल अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो और पॉजिटिव रह सकते हो, अपने को सुरक्षित रह सकते हो। तो लेखपाल की जो परीक्षा है, जो इसकी नोटिफिकेशन है, जब भी आएगा हम तब बात करेंगे। अभी मैं उसके खुले की बात नहीं करूंगा कि कब आने जा रहा है, लेकिन अगर आयोग से जो पहली परीक्षा आएगी वो लेखपाल की ही होनी है, नई वैकेंसियों में से, जिसमें आपका राजस्व सबसे पहले आएगा। ये है लेखपाल की, राजस्व आपका सबसे पहले आएगा। चकबंदी का अभी कुछ सीन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसके साथ इंक्लूड कर लिया जाए। पर ये सारी परीक्षाओं के बारे में, एक एक परीक्षा का मैं और डिटेल में आपके सामने लेके आऊंगा पूरा जॉब प्रोफाइल, कि राजस्व में आपको क्या करना रहता है। जैसे राजस्व में आपको ऑफिस डेस्क टाइप जॉब होती है, उसमें आपको ऐसा समझिए कि जो भी लेखा जोखा है खेतों का या और भी जो चीजें हैं मापन का, वो सब एक ऑफिस में बैठ के करना होता है, डेटा फीड करना होता है, वो सब राजस्व में आता है। चकबंदी थोड़ा फील्ड जॉब है, चकबंदी नाम से बताता है कि आपका जैसे किसान होते हैं तो उनके कुछ खेत कुछ अलग एरिया में होते हैं, ये तराई और उपराई, ये सारे जो क्षेत्र होते हैं, इन सारे क्षेत्रों में अलग अलग एक गांव में ही कई जगह पे होते हैं उनके खेत। तो हर छठे साल, दसवें साल, जैसा भी सरकार का वो बनता है, उस हिसाब से वो चकबंदी का लेके आता है। तो सबके जो खेत होते हैं इकट्ठा किए जाते हैं। सुनते होंगे घर में पापा लोग या चाचा लोग या बाबा लोग आपके बोलते होंगे कि हमारा चक यहाँ है ना, वो चक और कुछ नहीं, वो ये वाला चक नहीं होता है ना, वो
बैंक पर चेक नहीं होता है, चक होता है, मतलब कि आपका वो फील्ड होता है, खेत होता है, जब इकट्ठा आ जाता है उसको बंद करना, चकबंदी उसी को बोलते हैं। तो वो उससे रिलेटेड जो काम होते हैं वो आपका ये चकबंदी लेखपाल में होता है। वो आप कौन सा करेगा, वो लेखपाल करेगा जो चकबंदी से रिलेटेड होगा और राजस्व में ऑफिस होता है। खैर इसके बारे में बहुत सारा डिटेल हम जानेंगे जब हम एक एक जॉब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें सैलरी क्या है, उसमें प्रमोशन क्या है, उसमें आप ऊपरी कितना कमा सकते हो, कहां से आप अपनी जेब गर्म कर सकते हो, कहां पे आप नुकसान सह सकते हो, सारी चीजें एक एक चीज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे सब पूछ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश है और आप लोग, मैं जान रहा हूं पढ़ाई बाद में, सबसे पहले अपना जेब गर्म करने की पहले सोचते हो। खैर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप ऐसा करिए। दूसरी जो परीक्षा है ये हालांकि अभी तो नहीं आने वाली है, राजस्व निरीक्षक है ना, ये लगभग इसी जैसा जॉब प्रोफाइल है, लेकिन ये परीक्षा भी यूपी ट्रिपल एससी कराता है। स्टेनोग्राफर की परीक्षा आपकी आने वाली है, फिर से नई वैकेंसी आने वाली है, जैसे ही मामला थोड़ा शांत होगा, इमरजेंसी जो सिचुएशन आपकी कर्फ्यू सिचुएशन या ऐसा बोले लॉकडाउन की सिचुएशन जो है ये नॉर्मल होगी, अगर देश अपनी सही स्थिति पे आता है तो ये परीक्षा सबसे पहले आने वाली है स्टेनोग्राफर की। अच्छी खासी वैकेंसी भी है, ये भी दिमाग में रखिएगा। जूनियर असिस्टेंट कराती है यूपी ट्रिपल एससी, कनिष्ठ सहायक जिसे बोलते हैं, और इसे क्लर्क भी बोलते हैं, यही इसी में आ जाता है। अलग केंद्रीय लेवल की जो परीक्षाएं होती है उसमें क्लर्क बोलते हैं, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं। जॉब प्रोफाइल दोनों का सेम होता है, डेस्क जॉब होता है, है ना, कंप्यूटर फीडिंग, डेटा फीडिंग, आजकल तो कोई भी विभाग हो बिना आईटी सेल के, बिना कंप्यूटर, बिना ऑपरेटर के इसका कोई काम ही नहीं चलता है ना। तो सब चीज वहां से रिलेटेड रही है और यही कारण होता है कि आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगता है आजकल की सारी परीक्षाओं में। तो जो असिस्टेंट आने वाली है, उसके बाद लोअर की परीक्षा फिर से आने वाली है। लोअर में अभी तक क्या होता था, इसके अंतर्गत तो बहुत सारी परीक्षाएं हैं, सबको कंबाइन करके यहाँ पे अभी तक ये लिखिए लोअर टू था, अभी इसी वर्ष जब आपका लोअर वन आया तो आपके जो यूपीपीएससी आयोग थे उसके कुछ जो पोस्ट थी, जैसे मार्केटिंग इंस्पेक्टर वगैरह पहले यूपीपीएससी कराता था, है ना, वो सारी चीजें अब लोअर वन में आ गया, उसे लोअर वन बोलते हैं। लोअर टू में जैसे आपका पहले इंस्पेक्टर वगैरह होता था, एक्साइज इंस्पेक्टर टाइप में, इन सब में यूपी ट्रिपल एससी में इन सब की पोस्ट होती थी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता था, वो सब आपका लोअर टू में आ गया है। और लोअर थ्री में समूह गा की जो भर्तियां होती हैं वो सब इसमें लोअर थर्ड में आ जाते हैं। तो लोअर की फिर से आने वाली है, लोअर वन आ चुकी है, उसका तो मान के चलिए कि प्री का रिजल्ट ही लगा हुआ था, लोअर टू फिर से आएगी 2020 की, लोअर टू आएगी, लोअर टू थ्री और कंबाइन आ सकती है या लोअर टू आएगी, ये बात कंफर्म है। कंप्यूटर ऑपरेटर, देखिए ये पोस्ट अभी तक जो यूपी ट्रिपल एससी में बहुत कम ही कराया गया था, लेकिन अब समय की मांग को देखते हुए, क्योंकि हर विभाग में बिना कंप्यूटर के काम नहीं चलता है, एक बंदा ऐसा चाहिए जो सब कुछ डेटा फीड करे, इसके लिए स्पेशल पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर की आनी है और अच्छी खासी पोस्ट होगी। अभी आपका यूपीपीएससी भी कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा कराया है, यूपी ट्रिपल एससी भी कराएगी, तो जिनके पास जो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं हो, वो जैसे ही स्थिति सामान्य होती है आप ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट ले लो या जो भी आपका सर्टिफिकेट इकट्ठा कर सकते हो वो कर लो, उसमें दिमाग लगाए रहो आप लोग। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर था। उसके बाद आपका क्या आ सकता है, मंडी परिषद। मंडी परिषद अभी जैसे कि 2018 में हुआ था तो ये दोबारा आ सकती है परीक्षा, ठीक है, लेकिन अभी तो इसका रिजल्ट ही क्लियर नहीं हुआ था, तो रिजल्ट की बात नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे कौन सी परीक्षा आनी है, कौन कौन सी परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी कराता है। मंडी परिषद, युवा कल्याण अधिकारी, युवा विकास दल, जो आप परीक्षा दी हुई 2018-19 में। बोरिंग टेक्नीशियन, ये परीक्षा काफी दिन से नहीं आई है, 2015-16 में आई थी, तब से नहीं आई है, ये आ सकती है। ट्यूबवेल ऑपरेटर, ये भी 15-16 में हुई थी, जिसमें अभी देखे थे आईटीआई मांगा था, इसमें कट ऑफ बहुत कम गई थी, अच्छी परीक्षा है, आसानी से हो जाता है, ट्यूबवेल ऑपरेटर है। वीडियो है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद जेई, आपका यूपी ट्रिपल एससी कराता है, ये टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल में जेई भी होता है और एक आपका ऐसा समझिए कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का अलग से भी टेक्नीशियन का जॉब आता है, तो वो सब इंक्लूडेड आ जाता है, एक साथ भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है, जेई की परीक्षा है। फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक जो परीक्षा है, जानते हुए केन सुपरवाइजर, जिसे गन्ना पर्यवेक्षक भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट आपकी 2019 में आई थी, वो एग्जाम है। कंडक्टर की पोस्ट बहुत देर से नहीं आई है, कंडक्टर भी 10th-12th लेवल का होता है, बहुत अच्छी है, मतलब आसानी से लोगों का हो जाता है जो बहुत ज्यादा वो ही करते हैं, आसानी से जॉब पाना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, तो कंडक्टर भी, और ये जब आती है तो बहुत ज्यादा आती है वैकेंसी, काफी नंबर में आती है। कारण क्या होता है कि भाई कोई भी राज्य है वो अपने डेवलपमेंट के लिए बस की सेवा तो चलाएगा ही, बस की सेवा चलाएगा तो जाहिर सी बात है कंडक्टर ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, है ना। और ये कंडक्टर ऐसा नहीं कि केवल कंडक्टर, उसे बस कंडक्ट ही करना होता है, क्या होता है जैसे बस स्टैंड होता है तो वहां पे विंडो पे भी कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं या और भी बहुत सारी पोस्ट होती है, तो वो सब इन सब के केवल कंडक्टर ड्राइवर बोल दिया जाता है इस पोस्ट को, कई सारी पोस्टें इसमें सम्मिलित होती है, तो इकट्ठा वो आ जाती है, काफी अच्छी पोस्ट है ये भी, अच्छी खासी सैलरी रहती है।
अब नीम की बहुत दिन से नहीं आई है, ये मंडी परिषद के साथ ही आना था लेकिन आई नहीं थी, तो ये इस बार आ सकती है 2020 में। एक्साइज कांस्टेबल इसमें या आबकारी भी बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है ना, इसका नहीं आया है। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज जिसमें फाइलेरिया या मलेरिया इंस्पेक्टर होते थे वो काफी दिन से नहीं हुई है, ये परीक्षा भी आपका यूपी ट्रिपल एससी कराता है। असिस्टेंट अकाउंटेंट बोला ना, थोड़ा क्लर्कियल लेवल का जॉब होता है तो ये भी यही कराता है। और असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर जो आपकी अभी नई परीक्षा आया हुआ है, नई वैकेंसी आई हुई है, एएसओ बोलते हैं इसे, अच्छी जॉब है, ठीक है ना, काफी अच्छा इसमें सैलरी वगैरह भी है। तो ये आपके कुल देखिए 21 से ज्यादा परीक्षाएं, ये तो मैंने बस उन्हीं को जो मुझे याद आ रही थी, जो मैंने देखा कि पिछले 5-6 सालों में हुई ये परीक्षाएं, मैं उनको लेके केवल आपके सामने आया हूं। इसके अलावा भी परीक्षाएं हुए हैं, क्या है कि जैसे इससे पहले सपा की गवर्नमेंट थी, तो सपा की गवर्नमेंट में देखिए मैं आपको बता दूं कौन कौन सी परीक्षाएं हुई थी। ये परीक्षा आपकी हो गई थी, स्टेनोग्राफर की भी परीक्षा आई थी, राजस्व निरीक्षक की आई थी 2015-16 में, ये परीक्षा आई थी राजस्व निरीक्षक की, और जूनियर असिस्टेंट भी आई थी, लोअर टू भी आई थी, लोअर वन तो इस बार आया है तो लोअर टू थ्री आई थी, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं आई थी, मंडी परिषद नहीं आई थी, युवा विकास दल अधिकारी नहीं आई थी उसके में, बोरिंग टेक्नीशियन आई थी, ट्यूबवेल ऑपरेटर भी उसी में आई थी, वीडियो नहीं आई थी, वो वीडियो आई थी 2015-16 में आई थी, ये परीक्षा भी आई थी, जेई भी आया था, फॉरेस्ट गार्ड भी आया था, केन सुपरवाइजर भी आया था, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट नहीं आया था, कंडक्टर की आया था, अमीन भी आया था उस समय 2015-16 में, ये सारी वैकेंसी, एक्साइज ये भी आबकारी भी आया था, कंबाइंड मेडिकल ऑफिसर भी आया था 2015-16 में, असिस्टेंट अकाउंटेंट भी आया था, और ये नहीं आया था असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, ये भी नई पोस्ट जुड़ी है यूपी ट्रिपल एससी में, इसलिए नहीं आया था। तो देखिए जो आपकी सपा सरकार थी वो इतनी परीक्षाएं कराई थी, अभी इस ये सरकार परीक्षाएं कराने में थोड़ा पीछे है, ये बात तो मैं मानूंगा और कहूंगा भी, एकदम कहूंगा कि ये सरकार यूपी ट्रिपल एससी को लेकर ढीला रवैया अपनाई है। कारण क्या है, जब नई सरकार आई तो जो पहले से यूपी ट्रिपल एससी आयोग था उसे भंग कर दिया, अपने आदमी उसे बिठाने हैं, अगर अपने आदमी बिठाने हैं तो फिर अब उसे सब कुछ एकदम बोलेंगे कि पार्शलिटी से सब कुछ बहुत अच्छे पारदर्शिता लाना है ना, ट्रांसपेरेंसी लाना है, ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में आप स्टूडेंट्स के साथ परीक्षा ही नहीं करा रहे हो, तो इतना भी पारदर्शिता नहीं ले आओ कि एकदम से गायब हो जाए, पारदर्शिता उतना ही रहे कि कुछ चीजें आपके सामने हो, परीक्षाएं हो, बच्चे उसमें लगे रहे, नौकरियां मिले, जॉब मिले, वो खुश रहे, उनका परिवार खुश रहे, ये अब सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को दूसरे सरकार की कमी, इससे पहले जो सरकार थी उसकी कमियां गिनाने में और उसके काम रोकने में, ये कहीं का बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं है, इसके तो मैं जस्ट खिलाफ हूं। आप ऐसे भाई सरकार आप ला रहे हो, ठीक है कभी आप जीत रहे हो कभी वो जीत रहे हैं, लेकिन आप ऐसा करो कि जनहित में हो, जो अभ्यर्थी हैं उनके हित में चीजें हो, तो ये तो गलत हो रहा है। अभी मैं बात करूं कि ये सरकार अगर आई है तो कौन कौन सी परीक्षा करवाई है, लोअर वन करवाई है जिसका रिजल्ट नहीं आया है, मंडी परिषद आया है। देखिए मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं किसी सरकार की बुराई कर रहा हूं या किसी सरकार की बढ़ाई कर रहा हूं, मैं वो फैक्ट बता रहा हूं जो हकीकत में है। इसने अभी तक केवल मंडी परिषद करा लिया है, लोअर सबॉर्डिनेट करवाया है, युवा विकास दल अधिकारी का करवाया है और वीडियो का करवाया है, ये चार परीक्षाएं करवाई है। फॉरेस्ट गार्ड की आपकी परीक्षा लगी हुई है और इसमें कोई भी ऐसी परीक्षा और नहीं है, तो मुश्किल से 4 या 5 परीक्षा, सोचिए 21 परीक्षाओं में से केवल 4 परीक्षा करवाई है। अगर गवर्नमेंट सारा करवा ले, देखिए एक तो अच्छी खबर है कि सारे अभी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सेवा चयन आयोग ने कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है ये सारी बातें कि उसके पास इतनी परीक्षाएं हैं, इतने पोस्ट हैं और पोस्ट को लेकर वो विभिन्न विभागों को नोटिस भी जारी किया है कि आपके यहाँ जितने भी पोस्ट खाली हो उनका हमें बताइए, उनका ब्यौरा दीजिए और उसके आधार पे ये सोची समझी एकदम जो आपका पीईटी सुनते आ रहे हो, है ना, ये जो कॉमन टेस्ट हो रहा है पीईटी, तो इससे रिलेटेड चीजें आपकी, ये सब और कुछ नहीं है, ये सब क्या है, इतने परीक्षाओं को कराने के लिए किए, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है 21 परीक्षाओं को एक साल में कराना आसान नहीं है, ये बात आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं और सरकार तो बहुत अच्छे से जान ही रही है, तो उसका कोई तो तोड़ निकालेगी ही, और जिसके लिए क्या लेके आई है पीईटी। हालांकि पीईटी को लेकर मैं एक आपके लिए वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा, बहुत अच्छे मैं डिटेल करूंगा उसका पैटर्न क्या हो सकता है, अभी जो टीम डिसाइड कर रही है वो लगभग 185 क्वेश्चन का होगा, कुछ लोग 100 क्वेश्चन बोल रहे हैं, 25 25 25 25, लेकिन मैं साफ बोल रहा हूं ऐसा नहीं होगा, वो केंद्र सरकार नहीं है कि आपका एसएससी के सीजीएल और सीएचएसएल के बेस पे करवा दे, नहीं, यूपी ट्रिपल एससी है, ऑफलाइन पेपर होना है,
ऑफ, अगर ऑनलाइन होता है तो एक बार सोचा जा सकता है 25 25 25 25, लेकिन अगर ऑफलाइन होगा तो 150 ही प्रश्न आएंगे, तो 150 प्रश्न पे वो बनाएंगे। हम लोग पेपर भी बना रहे हैं इस पे, जल्दी ही आपका मॉक फ्री में अवेलेबल करा देंगे। तो पीटी के बारे में एक वीडियो बनाएंगे अलग से, भी उसकी बात नहीं करेंगे अभी, तो केवल बस बात कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में जितनी परीक्षाएं हो रही है उनके बारे में उसकी जानकारी लेके आपके सामने मैं आया था। देखिए एकदम होपफुल रहिए, परीक्षाएं आज नहीं तो कल होनी ही होनी है, और सरकार ऐसे नहीं चलती है, विभाग ऐसे नहीं चलते हैं, वहां पे आदमियों की जरूरत पड़ती है, और वो कौन होते हैं वो आप ही में से कोई सेलेक्ट होके आएंगे। तो जाहिर सी बात है ये सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है एक बार ये सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी था कि आखिर कौन कौन सी परीक्षाएं होती है, क्योंकि जब आप इसके बारे में जानोगे ना, ये जॉब प्रोफाइल के बारे में जानोगे, जब आप ये जानोगे कि भाई अभी आप समझो कि लेखपाल के बारे में जानोगे कि राजस्व का काम क्या होता है, तब आप थोड़ा अपनी बुद्धि अपने विवेक से समझ पाओगे कि मैथ आएगा कि नहीं आएगा। अगर एक लेखपाल को, ऐसे लेखपाल को बिठा दिया जाए जिसे गणित नहीं आता है, तो वो खेत का लेखा जोखा कैसे कर पाएगा? ये बात समझ में आ रही है? तो जो बच्चे ये परेशान होते हैं कि इसमें मैथ पूछेगा, इसमें रीजनिंग पूछेगा, इसमें ये पूछेगा, उनके लिए जॉब प्रोफाइल जानना, उसका कार्य क्या होता है, वो कहां पे कार्य करेगा, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप अपने बुद्धि विवेक से समझ पाओ कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है, इसका पैटर्न क्या हो सकता है, अगर पर्टिकुलर परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो इससे रिलेटेड आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो एक ये छोटी सी वीडियो थी आपके सामने, एक छोटा सा प्रयास था टीम का, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और इसके लिए आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, आपको जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स पे डालिए, वहां पे टीम पूरा रिप्लाई करेगी, एक एक बात की आपकी जानकारी देगी, एकदम परेशानी वाली बात नहीं है। आगे भी प्रोग्राम टीम लेके आएगी, रमन सर है प्रोग्राम करा रहे हैं, अभी कोरोना वायरस पे जितनी चीजें करंट की हो सकती है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पूरी टीम मेहनत कर रही है, कंटेंट डेवलप कर रही है, आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दे रही है फ्री में, सब कुछ आपको वीडियो अवेलेबल करा दे रही है, ताकि आप इस जानकारी से, अभी हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी किससे क्वेश्चन बन सकते हैं कोरोना वायरस पे, सारे क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन टीसीएस के पैटर्न पे करवा रहे हैं, करंट से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, सब कुछ का पूरा एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको 100-150 क्वेश्चन का कवर कराया जाएगा, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, रमन सर आपका वो पूरा क्वेश्चन कराएंगे। इसके साथ ही आपको वीडियो को लाइक करिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है, बेल आइकन पुश कर ले, क्योंकि सब कुछ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ बहुत अच्छे से मिलने वाला है, बहुत लॉजिकली मिलने वाला है। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद।